नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुकामा डाल क्षेत्र के समयागढ़ गांव में हर घर नल का जल योजना टाई टाई फिस्ट साबित हो रही है। इस पंचायत के वार्ड नंबर 2 में 1 साल पूर्व पेयजल मुहैया कराने की योजना साकार हुई, लेकिन तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। इस वार्ड के लोगों के लिए हर घर नल का जल योजना सफेद हाथी बनकर रह गई है। लोगों की शिकायत है कि घटिया स्तर का सामान प्रयोग में लाने के कारण योजना फेल हो गई है। पाइप की गुणवत्ता भी शक के दायरे में है, जबकि बोरिंग की गहराई से भी लापरवाही की गई है। 15 लाख की लागत से स्थापित बोरिंग से लोगों की 15 दिन की भी प्यास नहीं बुझी। इस भीषण गर्मी में लोग हर घर नल का जल योजना को खूब कोस रहे हैं, साथ ही योजना के नाम पर हुए घोटाले की जाँच की भी मांग अब उठ रही है। पंचायत के 2 नंबर वार्ड के रहने वाले हम लोग बासी हैं और यहाँ पानी नहीं आता है। पानी का नल का गड़ा है, फिर भी पानी नहीं आता है। पानी का नल का वहाँ पर गड़ाया था तो आया था 2-4 दिन, उसके बाद नहीं आया। कैसे आप लोग जी रहे हैं? हम लोग कैसे जैसे हैं, पानी अपना गंदा पानी या चाहे कुएं का पानी पी कर के जी रहे हैं। क्या नाम है? रंजीत साहब। शिक्षक को भगवान कहा जाता है, लेकिन जब वही शिक्षक गुंडई पर उतर जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा। सुपौल में शिक्षक ने बच्चों को इस तरह बेरहमी से पीटा है कि आप जानेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। मामला राघोपुर प्रखंड अंतर्गत सिमराही बाजार स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय का है, जहां विद्या भारती सेंट्रल स्कूल नामक विद्यालय में विद्यालय के प्रधान राजकुमार यादव ने अपने ही एक छात्र सुमित कुमार को बेरहमी से पिटाई कर दिया। छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपने किसी शिक्षक से पूछे बिना ही विद्यालय से निकलकर बगल के एक दुकान में ठंडा पीने चला गया था। वहीं जब स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी तो लोगों ने शिक्षक का विरोध कर दिया और किसी तरह विद्यालय प्रधान के चंगुल से छात्र को छुड़ाया। जब छात्र को बुलाया गया तो छात्र ने शर्ट उतार कर दिखाया कि किस तरह शिक्षक ने उसे लाठी से बेरहमी से पीटा है। जरा आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सुपुर्द कर दीजिएगा बच्चा के, आपका बच्चा ऐसे गद्दार में रखेंगे। सुपुर्द कर दिया उसको। ठीक है, आपकी जगह मार के इतना बेरहमी से मार के सुपुर्द कीजिएगा उसको, बुला के आप बोल देते ऐसे आपका बच्चा का करतूत है, आप बच्चा को ले जाइए। सर, आप बच्चों को लाठी से मार रहे हैं ना? लाठी से मारे क्या सर? इसी तरह बेरहमी से बच्चों को पीटा जाता है? बच्चे अनुशासनहीन होगा तो उसको उसी तरह से अनुशासन में लाया जाएगा। बस छड़ी से अनुशासन में लाया जाता है, तब मुंह से जो नहीं आएगा तो क्या करें। कौन सा जी मारे हैं? क्यों मारे थे? तो किस चीज से मारे हैं? लाठी। कितना लाठी मारे हैं? नहीं। ये चेहरा पे जो दाग है कौन चीज का दाग है? ये लाठी का दाग है। ठंडा लाने कौन भेजे थे? गए थे लाने के लिए। मुकामा डाल क्षेत्र की समयागढ़ पंचायत अवस्थित सरकारी अस्पताल खुद ही रुग्ण हो गया है। यह अस्पताल बिहार सरकार की घोर उपेक्षा का दंश झेल रहा है। अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर ही पदस्थापित है और ना ही यह अस्पताल कभी खुलता है। तकरीबन 50,000 की आबादी को भला चंगा रखने वाला यह अस्पताल मरीजों के लिए अभिशाप बन गया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि बिहार सरकार ने महज हॉस्पिटल का ढांचा खड़ा कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। दरअसल इस अस्पताल में हमेशा ताला लटकता रहता है, लिहाजा टाल क्षेत्र के इस इलाके के लोगों को जीवन बचाने की कवायद से जूझना पड़ रहा है। बिहार सरकार की इस बेरुखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बंदियों की रहता कि ना तो कभी डॉक्टर आता है, ना कभी ढंग से खुलता है, और ना दवाई भी रहता है, ना किसी प्रकार का इलाज होता है। डॉक्टर कभी आते हैं रंग पेंट करवा के और चले जाते हैं, जिससे पब्लिक का बहुत परेशानियाँ होता है। यहाँ से जब इमरजेंसी होता है तो बाहर पटना की रुक करने के बाद रास्ते में ही डेथ, कई को मौत हो चुका है। कुछ महीने भी पहले भी मौत हो चुका है, और
मान के चलिए कि डॉक्टर कभी आईवे नहीं करता, ना दवाई का व्यवस्था रहता है। उधर बाढ़ में कुछ लोगों ने 16 वर्षीय किशोर को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। गोली उसके जांग में जाकर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे PMCH रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि बाढ़ के गुलाबबाग मोहल्ले का रहने वाला 16 वर्षीय प्रमोद कुमार अपने घर के आगे जानवर को चारा दे रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने आकर सामने से गोली मारकर फरार हो गए। वही घटना की जांच में पहुंची पुलिस प्रथम दृष्टिया आपसी रंजिश का मामला मानते हुए अनुसंधान में जुट गई है। साथ ही आरोपियों की तलाश में सघन छापेमारी भी जारी है। आ रहा था तो गाड़ी से दो तीन आदमी, दो लोग था, सब पिस्टल लिए हुए था। हाँ। तो डायरेक्ट आकर के गोली चला दिया। हाँ। आई तीन दिन से सबको वही कर रहा है। कहाँ पर गोली मारा है? गोली में हम गुलाबबाग चौक से नीचे है, मेरा बथान है। बथान में वही लड़का जानवर को सानी पानी दे रहा है, आकर के मार दिया। पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी की फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सुसवासो पंचायत के बहलोलपुर गांव में यह घटना घटी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बहलोलपुर गांव निवासी राजेंद्र भगत ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। पति के घर से निकलते ही मृतिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौत के बाद आरोपी अपने परिजनों के साथ मिलकर चुपचाप मृतिका के दाह संस्कार करने की तैयारी में था। तब तक मौत की जानकारी ग्रामीणों को हो गई और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर कल्याणपुर थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देख परिजन घर छोड़ फरार हो गए। वहीं मायके वालों ने पति सहित ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। कितना बजे आपने जानकारी मिला? 7:30 बजे करीब। कहाँ मिला है जानकारी? कि भगनी तो फांसी लगा के मुंह आ देले बने के मुंह लेबा तो अपने सुनते चल देनी है जी। थाना की सूचना भी देनी है जी। बहन लगेगा। आपको कब सूचना मिली? सूचना मिला हम लोग घर से चले, ठीक है ना। तो वहाँ से आए तो हम लोग आने के बाद देखे दरवाजा बंद था। उसके बाद फिर हम इधर मेरा नजर गिरा तो देखे यहाँ पे लाश। कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत अंतिचक पंचायत में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नल जल योजना के तहत पानी टंकी चालू नहीं हुआ है। वहीं 12 नंबर के वार्ड सचिव ने बताया कि मुखिया के कहने पर ही उन्होंने ठेकेदार को काम दिया था, लेकिन अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। दिक्कत ये पानी का साधन नहीं है, वो भी है वो वार्ड और मुखिया मिल गए ये खरीदार को मैं मुखिया जरूर देता है ना वार्ड जरूर देता है। तो हम लोग अब कहीं पर पानी चल रहा है कहीं पर रोड नहीं पा रहा है, ऐसे पानी को चालू कर दिया। इसमें वार्ड तो हर आदमी कमीशन खाता है, मुखिया भी का कमीशन खाता है, वार्ड का कमीशन खाता है, ठेकेदार आगे जो किसी को कम दिया है वो तो अपना मतलब मौज मस्ती में है। मतलब कम क्या मुखिया और वार्ड मिलकर दे दिया वेंडर? हाँ, वो अगले मतलब ठेकेदार को दे दिया है, न मुखिया ध्यान देती है न वार्ड ध्यान देता है, ठीक है ना। इसके बारे में जो है ना हमारा कहने का मतलब यह है कि पहले पानी का व्यवस्था गांव में कर दीजिए। दो दिन जा सकता है लेकिन पब्लिक यहाँ परेशान हो गया। क्या तो बोलता है कि हम पूरा हेल्प करते हैं गांव वाले का। पूछिए से पूछिए जाके कि चलिए पब्लिक के साथ आप दीजिएगा न्यूज कि हम सारा पब्लिक से लिए रिपोर्ट। आपके गांव तो ओडीएफ घोषित होने वाला है, क्या आपके गांव में पहले बना है क्या? नहीं, एक भी नहीं बना है। किसकी गलती है? गलती है तो मुखिया की गलती है। ये बात पे हम मुखिया के बारे में चला के भी केस करने का भी धमकी दे रहा है। धमकी क्यों दे रहा हूँ? जब मुखिया मनमानी करता हो धमकी क्यों दे रहा हूँ? हम एक विकलांग आदमी है, हमको आज तक कोई प्रोसेस नहीं मिल रहा। कॉलोनी तक भी हम मुखिया के पास चप्पल किया गया, आज तक डॉक्टर तो होगा, आज होगा कल होगा, आश्रम में रखते रखते आज तक हमको कुछ नहीं मिला। प्रॉब्लम यहाँ पहले सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है, अगर हो गया है बनाया है तो पानी का यहाँ कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है। पाइप टंकी सब दे चुका है लेकिन पानी इशू नहीं किया है
और इशू नहीं करने के बाद ये करीब करीब साल भर से ज्यादा हो गया, पाइप टाइप कल सब बैठा दिया लेकिन पानी इशू नहीं किया है। और मुखिया अभी तक यहाँ कोई पब्लिक से नहीं मिला है कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। शौचालय के संबंध में आज से दीपावली के पहले हम लोग फार्म जमा कर दिए हैं, मेरे समस्या समाज यानी 12 नंबर से लेकर 13 नंबर वार्ड दोनों वार्ड को, लेकिन अब तक शौचालय का कोई तरह का मैटर नहीं। वार्ड से ग्रामीण अगर पूछता है तो बोलता है कि भाई घोगा तक आया है उसके बाद यहाँ आ गया। अब सर्कुलर क्या है, ये क्या रेलगाड़ी है जो घोगा? हाँ, उसके बाद ये गांव मेरे ख्याल से कि 25% जो है दलित और महादलित है, यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बाद 70% यहाँ जनरल जात है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। वार्ड मुखिया अपना अपना मनमानी, क्या कारण है, कागजाती है कि वीडियो है, सब मिला हुआ है कि मुखिया मिला हुआ है यहाँ, लेकिन मुखिया आज तक यहाँ नहीं आया कि नहीं है ना, कि रोड कैसा बना या पानी का हुआ कि नहीं, शौचालय हुआ कि नहीं, या क्या तरह का दिक्कत है पब्लिक को, वो कोई तरह का सोचना नहीं चला। अपना मनमानी है, पब्लिक कितना पीछे तो लगे, एक मजदूर है यहाँ, यहाँ कोई दबंग आदमी नहीं है, यहाँ कोई दौलत वाला नहीं है, सब यहाँ कमाने खाने वाला है। एक मुखिया के पीछे का मुखिया रहती नहीं है, मुखिया कहलगांव जाती है, भागलपुर जाती है, जहाँ 3 फीट का गड्ढा वहाँ पर 1 फीट भी नहीं गड्ढा खिदा है और पाइप टन दिया, हर जगह लीकेज है पाइप। मुखिया ही दे दिया जाके, हाँ मुखिया दिया है, डायरेक्ट मुखिया और वीडियो दिया है, मुखिया और वीडियो। हाँ, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। कौन से पंचायत के हैं? अंति चक पंचायत के हैं। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 12 है। क्या आपको दिक्कत है? पानी का व्यवस्था दिक्कत है, मतलब ये तो टंकी बना है, कितना दिन पहले बना है? बनने से हो गया होगा 1.5 साल के लमसम में, 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक पानी सप्लाई नहीं, पानी सप्लाई नहीं मिला है। क्या बोला जाता है? क्या बोलता है? देंगे कल, देंगे कल, देंगे। कौन ये बोलता है? वार्ड बोलता है, और कौन बोलेगा? वार्ड बोल रहा है, ठेकेदार बोल रहा है, और मुखिया जी का, मुखिया जी से हम लोग को संपर्क नहीं हो रहा है। मुखिया जी कभी नहीं आए हैं, नहीं इसके बारे में कभी नहीं हम लोग देखा है ना गाँव में। और शौचालय का? शौचालय का भी जानकारी हम लोग को नहीं है। आपके घर में बना है शौचालय? हम अपना बनाया है सरकारी फंड से, कोई लाभ नहीं हम लोग को मिला है, कोई लाभ नहीं मिला है। आपका क्या नाम है? पंचायत अंतिचा। मुखिया नाम? मुखिया नाम ललिता देवी है, ललिता देवी। क्या आपको दिक्कत है? दिक्कत है यहाँ पैखाना शौचालय नहीं दिया है, वो अपने एरिया में अंतिचक में उधर जो है वो अपना अपना जाति लेकर के सोचिए, चाहे कोई भी लेकर के सोचिए, उधर पैखाना कंप्लीट बना दिया है लेकिन चालू अभी तक नहीं हुआ, पैसा लेकर के घर में बैठ गया है। कौन बना दिया? वही मुखिया बनवाया है, मुखिया बनवाया है। नहीं हमारा इधर कुछ नहीं अभी तक हुआ है, वो बोलता है कि जब वहाँ का आदमी वोट नहीं दिया तो हमको वहाँ देने से क्या फायदा, यही बात बोलता है। वोट तो हम वोट दे कि नहीं दे, मेरा तो मुखिया वही हुआ कि दूसरा को हो गया। मेरा पंचायत में एक मुखिया अगर जीत गया, 10 ठो खड़ा हुआ, 10 ठो में 1 ठो अगर जीता तो वही ना मेरा मुखिया हुआ। हम वोट दे अथवा नहीं दे, क्या बोलता है? क्या उन्होंने पैखाना दिया है, नो हमको पानी का व्यवस्था है कुछ? वो तो बोला है पूरा रोड बना दिया। कहाँ पूरा रोड दिखे ना, धूरा उड़ रहा है, कहाँ है पूरा रोड? पूरा कच्ची रोड है, ये कच्ची है कि पक्की है? उसको दिखाई नहीं दे रहा है मुखिया को। जमालपुर प्रखंड के पंचायत परहम में मुख्यमंत्री 7 निश्चय हर घर जल का नल योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। वार्ड संख्या 4 बागटोला में 14,94,000 की लागत से निर्माणाधीन जल मीनार की योजना में पंचायत के मुखिया तनिक पंडित एवं गांव के बिजोलिया के द्वारा राशि की निकासी पूर्व 10% कमीशन मांगे जाने से जल मीनार निर्माण पर ग्रहण लग गया है, जिस कारण पिछले 1.5 माह से निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस भीषण गर्मी में वार्ड के बासिंदे पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि अगर जल मीनार का कार्य पूरा हो जाए तो लोगों को शुद्ध पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन मुखिया द्वारा वार्ड क्रियान्वयन समिति के राशि निकासी पर बैंक में रोक लगाए जाने से जल मीनार निर्माण का कार्य बंद पड़ा हुआ है। मैं हर घर में जल पहुंचाना, लेकिन यहाँ का जो मुखिया है जानबूझ करके कमीशन के चक्कर में जनता का सारा कार्य को बाधित किया है। न गली बना, न रास्ता बना, न पानी मिला। अभी
जो है एक बार जब 60,000 रुपया कमीशन दे रहा था, संयोग से मैं और राजकिशोर प्रसाद मंडल कुछ अपना व्यक्तिगत काम से मुखिया के पास गया था, मैं देखा कि 60,000 रुपया उसको दे रहा है और बाकी कह रहा था कि 90,000 और देगा तो काम होगा, नहीं तो इतने ही पर रुक जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक डेढ़ महीना से रुका हुआ है, ये फरवरी का ही बात है। अच्छा, घूस लेना और देना तो दोनों आप सकते हैं ग्रामीण, हमारे हाथ में क्या है, हम तो बिना घूस का यहाँ पर एक जातीय आवासीय नहीं बनता, इसके लिए भी 200 रुपया देना पड़ता है। दे रहा है मुखिया जो बाधिक लगा रहा है वो सीरियस। तो पानी का क्या समस्या है? पानी तो यहाँ किसी को आप शिकायत नहीं किए किसी को? करें शिकायत। अच्छा, मुखिया क्या बोल रहा है, नहीं होगा? नहीं। क्यों? कमीशन देंगे तब नहीं, कमीशन या पैसा तो ट्रांसफर हो गया, पैसा 3 महीना अगला सचिव रोक लिया, दस्तखत नहीं किया 3-10% के कारण। वो मांगा हमसे घूस, हम ये सूचना आगे ऊपर भी दे चुके हैं। उसके बाद वीडियो साहब मुंह मोखित निर्णय दिए कि जाइए दूसरा सचिव उसी से बदल कर काम कीजिए। दूसरा सचिव बनाए, शिव मंदिर के पास बैठ करके चेंज किए, मुखिया सारा चीज किया, पैसा निकलवाया। प्रबंध समिति वार्ड नंबर 4 और हम पंचायत का, इसमें मुखिया ने हमें एक आवेदन दिया था, उसके आधार पे हमने खाता खोला जिसका संचालन अध्यक्ष के तौर पे माया देवी और सचिव पंचानंद कुमार थे। कुछ दिन बाद फिर हमारे पास एक आवेदन आता है माया देवी के तरफ से कि सचिव को बदली कर दिया गया है। तो उसमें जो उसका ये आवेदन दिया गया उसमें प्रखंड विकास कार्यालय के पदाधिकारी के लेटर एड पे था, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी का उसमें सिग्नेचर नहीं था, उसमें पंचायत सचिव का सिग्नेचर था। हमने बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे, वीडियो साहब से लिखवा के दीजिए, या नहीं तो जिन्होंने खाता खोलवाया है जिनके कहने पे हमने खाता खोला, यानी कि वहाँ के मुखिया। तो उन्होंने मुखिया जी ने फिर मुझे लिख के दिए कि सचिव